गर्मी और नमी के मौसम में स्किन इन्फेक्शंस काफी बढ़ जाते हैं। आइए जानें देश और दुनिया की जानी मानी और अपने शहर जयपुर की प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमिति पारिक से कि त्वचा की सही देखभाल के लिए क्या करना चाहिए ताकि हमारी त्वचा निरोगी रहे। वेलकम डॉक्टर सुमिति पारिक ऑन फंगल फ्री इंडिया टॉक शो पर। डॉक्टर, फंगल इन्फेक्शन की देखभाल कैसे करें और उससे कैसे निपटें? सबसे पहले तो आप एक चर्म रोग विशेषज्ञ या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। दूसरी बात, ओवर द काउंटर केमिस्ट के पास जाके मेडिसिन ना लें, यूट्यूब पे देखकर कुछ भी मलहम लोशन अपने ऊपर ना लगाएं। तीसरी बात, जो आपका ट्रीटमेंट है जब वो आप डॉक्टर से लेते हैं तो इंश्योर करें कि वो कंप्लीट ट्रीटमेंट जैसे डॉक्टर ने बताया है, जैसे एडवाइस किया है, वैसे आप लें। उसके अलावा आपको कुछ जनरल मेजर्स का भी ध्यान रखना होता है। डेली दो बार नहाएं, कपड़े रोज धोएं, प्रेस करके पहने, ये सब बातों का ध्यान रखते हैं तो फंगल इन्फेक्शन जल्दी सही होता है, अच्छा रिजल्ट आता है। मेरा सवाल आपसे है कि फंगल इन्फेक्शन का इलाज क्या है? ट्रीटमेंट में आजकल बहुत अच्छी एंटी फंगल मेडिसिन अवेलेबल हैं। ओरल मेडिसिन भी होती हैं जो बेसिकली कैप्सूल्स और टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। टॉपिकल मेडिसिन होती हैं जो क्रीम्स और लोशंस के फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा साथ में आपको एंटी हिस्टामिनिक्स भी दिए जाते हैं जो बेसिकली आपकी इचिंग को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। तो हमारे पास बहुत अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करके ही ये ट्रीटमेंट लें। तो आपका ट्रीटमेंट जो है वो आप अपने डॉक्टर से, डॉक्टर की एडवाइस में, गाइडेंस में आप कंप्लीट करें। डॉक्टर, सबसे गंभीर फंगल इन्फेक्शन कौन सा है? जो गंभीर फंगल इन्फेक्शंस होते हैं वो सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। तो इनमें बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस आते हैं, हिस्टोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोकोकोसिस। एक फंगल इन्फेक्शन जिसका आपने कॉमनली नाम सुना होगा, स्पेशली कोविड के टाइम में, म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस जिसको कहते हैं। ये वैसे तो बहुत ही रेयर होता है। तो इसमें क्या रहता है कि आपकी नाक से जो रिलेटेड पैरानेजल साइनसेस होते हैं वो, उसके अलावा आपका आई के आसपास का टिश्यू जो ऑर्बिटल टिश्यू होता है, और एक्सट्रीम केसेस में ब्रेन तक इन्वॉल्व हो सकता है। इन सब टिश्यूज का नेक्रोसिस हो सकता है और सीरियस केसेस में जान तक जा सकती है। डॉक्टर, यदि लक्षण पहले से बेहतर हो जाएं तो क्या मैं एंटी फंगल उपचार लेना बंद कर सकता हूँ? नहीं, ये बहुत जरूरी है कि आप अपना पूरा ट्रीटमेंट लें। क्लिनिकली यानी देखने पर कभी ऐसा लग सकता है कि फंगल इन्फेक्शन साफ हो गया है, पर उसके बाद भी जो फंगल इन्फेक्शन होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रह जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो, कम्प्लीटली इरेडिकेट हो, तभी आपका फंगल इन्फेक्शन का रिलैप्स के चांसेस कम होते हैं। तो ये चीज जो है, ये डिसीजन जो है, ये आपके डॉक्टर ही ले सकते हैं। तो प्लीज आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए, जब डॉक्टर बोलते हैं तभी आप इलाज छोड़िए। डॉक्टर, मुझे कितने समय तक एंटी फंगल दवाएं लेने की आवश्यकता है? जी, टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखें तो एटलीस्ट 3 to 6 weeks फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट चलना चाहिए। पर हमारी ओपीडी में जो आजकल हम फंगल इन्फेक्शन देख रहे हैं वो बहुत ही रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के कारण हो रहे हैं। लोग जो ओवर द काउंटर स्टेरॉइड क्रीम्स यूज कर रहे हैं और जो अपना ट्रीटमेंट कम्प्लीटली नहीं लेते, बीच में आधा अधूरा ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, तो उसके कारण से एंटी फंगल एजेंट से बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस आ गई है। कुछ लोगों में ये ट्रीटमेंट 6 महीने तक भी चल सकता है, कुछ में उससे ज्यादा भी चल सकता है। तो ये डिसीजन जो रहता है पेशेंट टू पेशेंट डिफर हो जाता है। डॉक्टर, फंगल इन्फेक्शन की देखभाल कैसे करें और उससे कैसे निपटें? सबसे पहले तो आप एक चर्म रोग विशेषज्ञ या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। दूसरी बात, ओवर द काउंटर केमिस्ट के पास जाके मेडिसिन ना लें, यूट्यूब पे देखकर कुछ भी मलहम लोशन अपने ऊपर ना लगाएं। तीसरी बात, जो आपका ट्रीटमेंट है जब वो आप डॉक्टर से लेते हैं तो इंश्योर करें कि वो कंप्लीट ट्रीटमेंट जैसे डॉक्टर ने बताया है, जैसे एडवाइस किया है, वैसे आप लें। उसके अलावा आपको कुछ जनरल मेजर्स का भी ध्यान रखना होता है। डेली दो बार नहाएं, कपड़े रोज धोएं, प्रेस करके पहने, ये सब बातों का ध्यान रखते हैं तो फंगल इन्फेक्शन जल्दी सही होता है, अच्छा रिजल्ट आता है। मेरा सवाल आपसे है कि फंगल इन्फेक्शन का इलाज क्या है? ट्रीटमेंट में आजकल बहुत अच्छी एंटी फंगल मेडिसिन अवेलेबल हैं। ओरल मेडिसिन भी होती हैं जो बेसिकली कैप्सूल्स और टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। टॉपिकल मेडिसिन होती हैं जो क्रीम्स और लोशंस के फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा साथ में आपको एंटी हिस्टामिनिक्स भी दिए जाते हैं जो बेसिकली आपकी इचिंग को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। तो हमारे पास बहुत अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करके ही ये ट्रीटमेंट लें। तो आपका ट्रीटमेंट जो है वो आप अपने डॉक्टर से, डॉक्टर की एडवाइस में, गाइडेंस में आप कंप्लीट करें। डॉक्टर, सबसे गंभीर फंगल इन्फेक्शन कौन सा है? जो गंभीर फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन होते हैं। तो इनमें बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन आते हैं, हिस्टोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोकोकोसिस। एक फंगल इन्फेक्शन जिसका आपने कॉमनली नाम सुना होगा, स्पेशली कोविड के टाइम में, म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस जिसको कहते हैं। ये वैसे तो बहुत ही रेयर होता है। तो इसमें क्या रहता है कि आपकी नाक से जो रिलेटेड पैरानेजल साइनसेस होते हैं वो, उसके अलावा आपका आई के आसपास का टिश्यू जो ऑर्बिटल टिश्यू होता है, और एक्सट्रीम केसेस में ब्रेन तक इन्वॉल्व हो सकता है। इन सब टिश्यूज का नेक्रोसिस हो सकता है और सीरियस केसेस में जान तक जा सकती है। थैंक यू डॉक्टर। फंगल फ्री इंडिया इज अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया।